ओम शांति। आप सभी बोलो जोर से, दोबारा बोलो। सभी प्यार से सुन रहे हो ना? अच्छा, आप सबको ये तो मालूम ही है कि हम कहाँ आए हैं। क्या जवाब देंगे? ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ये कहेंगे? लेकिन हम आपको एक और बात सुनाने चाहते हैं कि आप सभी अपने परम पिता परमात्मा के घर में आए। क्यों? पर यहाँ आपने देखा होगा कि किसी भी कमरे में किसी का नाम देखा है? किसी का नाम नहीं होगा। अच्छे अच्छे दिव्य नाम होंगे क्वार्टर के, लेकिन किसी के कमरे में किसी का नाम नहीं है। क्यों नहीं है? वैसे तो नाम लिखते हैं बाहर। क्योंकि ये किसी का भी घर नहीं है, ये परम पिता परमात्मा घर है, का घर है। तो बोलो, आप परमात्मा के बच्चे है? हाथ उठाओ। मानते हैं परमात्मा के बच्चे हैं? मुबारक हो। तो परमात्मा का घर किसका घर हो गया? आपका हो गया ना। तो आप अपने बाप के घर में आए हो, अर्थात अपने घर में आए हो। लेकिन आने और जाने वाले को मेहमान कहा जाता है, तो मेहमान उस हिसाब से हो, लेकिन वास्तव में आप अपने घर में पहुंचे हो। तो अपने घर में ठीक हो? कोई मुश्किल तो नहीं लगी? कोई प्रबंध ठीक तो नहीं? सबको ठीक मिला है? हाँ, ठीक मिला है? माताओं को ठीक मिला है? अच्छा, तो मुबारक हो। और हमें एक बात की खुशी है। कौन सी खुशी है? आपको मालूम है कि हम परमात्मा एक है, और एक के सब बच्चे। आपने सबने हाथ उठाया, तो आपस में क्या हो गए? भाई और बहने। एक बाप के बच्चे तो भाई बहन हुए ना। ईश्वरी बाप है और ईश्वरी भाई बहने हैं। तो अगर मानो कोई का भाई या बहन बहुत समय से बिछड़ जाए, और वो बिछड़ा हुआ भाई या बहन आके मिले, कितनी खुशी होती है? होती है ना। तो आप देखो, हमारे 70 वर्ष पूरे हो गए हैं सेवा करते, और आप अभी आके मिले हो हमसे। तो हमारे खोए हुए भाई, और इतने कितने भाई है, कितनी बहने हैं। तो हमारे बिछड़े हुए भाई और बहने अगर हमसे आके मिले, तो बताओ कितनी खुशी होंगी। और फिर ईश्वरी भाई बहन, रवाजी भाई बहन नहीं है। तो हमें खुशी है कि आप अपने पिता के घर में हमारे भाई और बहने पहुंच गए हो। इसकी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। तो आज आप सोशल वर्कर इकट्ठे हुए हैं, और सोशल वर्कर का महत्व है। क्यों? कि वो सेवा करते हैं। जिसको भी जो कुछ सेल्वेशन चाहिए, वो सेल्वेशन दिलाते हैं या देते हैं। तो आपका कार्य तो बहुत ऊंचा है, लेकिन इसमें सिर्फ ये चेक करना है। कार्य तो आप कर ही रहे होंगे जैसे भी जहां भी, लेकिन एक होता है सच्ची दिल से सेवा करना, और एक होता है सेवा में कभी कभी
थोड़ा सा स्वार्थ जमा हो जाता है, तो जो स्वार्थ से सेवा होती है ना, उसका पुण्य नहीं बनता है। हर कर्म का पुण्य और पाप तो बनता ही है, लेकिन अगर स्वार्थ से कोई सेवा करता है, सोशल वर्कर हो, सेवाधारी हो, तो फिर आपका पुण्य नहीं जमा होगा। और थोड़ा सा अगर स्वार्थ आ गया तो उसमें थोड़ा पाप का भी हिस्सा आ जाता है। तो आप अपने आप से पूछो कि आप सोशल सेवा जो कर रहे हो उसमें निस्वार्थ सेवा करते हो? क्योंकि जो निस्वार्थ सेवा करते हैं ना, उसका लाभ जिसकी आप सेवा करते हो उसको भी मिलता है, वो कितना खुश हो जाता है। और बार बार आप जब उसके सामने जाएंगे ना, तो वो आपको देख करके हमेशा ही खुश होता रहेगा, तो आपका पुण्य बार बार जमा हो जाता है, क्योंकि उसकी खुशी आपका पुण्य जमा कर देती है। तो एक तो अपनी ये चेकिंग करो कि निस्वार्थ है और सच्ची दिल से शान मान इसके आधार पर नहीं। आजकल के जमाने में आप देखो समाचारों में क्या होता है, नाम मान और शान, इन तीनों ने बहुत घेरा लगा दिया है। इसीलिए जो हमारे भारत की उन्नति होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, गिरावट में आ रहा है। बापू गांधी जी ने जो संकल्प किया था कि हम भारत को स्वतंत्र करके राम राज्य बनाएंगे, तो आप समझते हो अभी राम राज्य है? हाथ उठाओ जो समझते अभी राम राज्य है। कोई नहीं उठाता, तो कौन सा राज्य है? नाम नहीं लेंगे हम, लेकिन आज के राज को क्या कहते हैं, पापाचार और भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है। अभी देखो रिश्वतखोरी, ये क्या है? पापाचार भ्रष्टाचार ये वास्तव में जो है वो तो पाप के भागी बनेंगे ना, पुण्य तो होगा ही नहीं ना। भ्रष्टाचार होता क्यों है? ये जो रिश्वत लेने शुरू कर दिया है हर दफ्तर में, हर जो भी है सेक्रेटरी है या मिनिस्टर है, जो शुरू हो गया है, इसका आधार क्या है? लोभ। लोभ महाराज है, जो चाहे नेता है चाहे साधारण है, लेकिन जब रिश्वत लेते हैं तो लोभ काम करता है। और ये विकार जो है वो हमारे में आए क्यों? आजकल अगर सर्वव्यापी भगवान कहते हैं तो भगवान के क्वालिफिकेशन तो दिखाई देते नहीं है, लेकिन चारों ओर सर्वव्यापी क्या है? पाप कर्म, भ्रष्टाचार, पापाचार। तो ये क्यों हुआ है? वास्तव में हम ये अशांति चाहते नहीं है। कोई है जो अशांति, थोड़ा टाइम अशांति हो जाए तो चल सकता है, ऐसा कोई है? वो हाथ उठाओ। थोड़ी थोड़ी अशांति होनी चाहिए, है कोई? कोई नहीं, सदा शांति होनी चाहिए, यही चाहते हो ना? तो हम चाहते हैं शांति, लेकिन बढ़ रही है अशांति। इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीस कॉन्फ्रेंस चारों ओर हो रही है, लेकिन फिर भी अशांति बढ़ती जाती है। इसका कारण क्या? जब तक कारण ही नहीं समझेंगे तो बिना कारण के निवारण होता है क्या? अभी डॉक्टर के पास भी हम जाते हैं, कहते हैं हमको ये बीमारी है, तो वो पूछता है ना क्या कारण है, और डॉक्टर बताता है ये कारण है, इस कारण की दवाई देता है, तब तो निवारण होता है, ऐसे तो निवारण नहीं हो सकता। तो ये विकार आए क्यों? कब से आए?
कौन सी हमारे से गलती हुई जो ये विकार जो है वो हमारे में प्रवेश हो गए। आज चारों बार हम सभा में पूछते हैं, ऐसा कोई है जिसको टेंशन का पता ही नहीं हो? टेंशन होता क्या है, टेंशन की परिभाषा क्या है? टेंशन भले थोड़ा थोड़ा नहीं भी आया हो, लेकिन पता है कि टेंशन क्या है। आजकल टेंशन फैला हुआ है। कोई आप में से है जिसको पता ही नहीं है टेंशन होता क्या है? टेंशन की सुध-बुध से न्यारी है कोई? हाथ उठाओ। कोई नहीं। सबको टेंशन का अनुभव है, देख के या करके, ठीक है? अच्छा, लेकिन ये कारण क्या हुआ? क्यों हमारे में विकार आए? हम परमात्मा के बच्चे हैं, इसमें आपने सभी ने हाथ उठाया, ठीक है ना? तो परमात्मा कौन है? पिता, शांति दाता कि दुख दाता? शांति दाता है ना, सुख दाता है ना, उसके हम बच्चे हैं। तो बाप सुख दाता और बच्चा जो है वो दुखी और अशांत ये शोभता है। अगर कोई राजा की लड़की आपके घर पर आवे और आके कहे, पिताजी, बुजुर्ग को पिताजी कहा जाता है, पिताजी आज मुझे बड़ी भूख है, दो रोटी दे दो, आप मानेंगे राजकुमारी है? कहेंगे राजा की लड़की और दो रोटी मांग रही। तो आप अपने से पूछो कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, इसमें हाथ उठाया, मानते हैं परमात्मा को, उसके बच्चे दुखी क्यों हुए? शांति दाता के बच्चे दुखी अशांत क्यों? कारण कभी कारण सोचा है? एक छोटी सी गलती हमारे से हो गई। कौन सी गलती हो गई वो यहां सुना भी आपने। मैं कौन हूं ये गलती हमारे से हो गई। अब ये हम किसी से भी पूछते हैं आप कौन हो, तो सारा अपना बड़ा ऑक्यूपेशन सुनाएंगे, मैं फलाना हूँ, फलाने का बच्चा हूँ, ये काम करता हूँ, मेरा डायरेक्टर ये है, मेरा ऑफिसर ये है, सारा लंबा चौड़ा सुनाएंगे। अभी मैं प्रश्न पूछती हूँ आपसे कि ये आपका परिचय है या शरीर का परिचय है आप और हो? क्यों आप शरीर के लिए क्या कहते हो, मैं या मेरा? कभी आपके सिर में दर्द हो, समझो गलती से हो, होना नहीं चाहिए, हो गया, समझो हो गया, तो आप क्या कहते हो, मैं सिर में दर्द है या मेरे सिर में दर्द है? क्या बोलते हो? मेरे बोलते हो ना, मैं तो गलती से नहीं बोलते हो ना। जब सिर मेरा है अर्थात सारा शरीर मेरा है, सिर मेरा है तो हाथ भी मेरा है, पाँव भी मेरा है, सब मेरा है, तो मैं तो मेरे का मालिक होता है ना। अभी ये रुमाल मेरा है, मैं गलती से आपके आगे कहूँ आज मैं रुमाल बहुत खराब है, आप हंसेंगे ना मेरे ऊपर, आप कहेंगे बहन जी आप थोड़ी रुमाल हो, ये आपका रुमाल है, तो मैं मालिक हूं ना इसकी। ऐसे आप सोचो, शरीर के लिए हम मेरा मेरा कहते, इतना नहीं, लेकिन मन के लिए भी आप कहते हो मेरा, मैं मन नहीं कहते हो। कभी भी आपके मन में परेशानी होती है आप क्या कहते हो, आज मैं मन बड़ा परेशान है, कहते हो ऐसे? कहते हो? नहीं कहते हो ना, भाई कांध तो हिलाओ ना। और मेरा मन परेशान है, जब मेरा मन परेशान है तो मैं अलग है ना, और मैं उसका मालिक हूं, तो आप सोचो मैं कौन हुआ, शरीर हुआ? कि शरीर के अंदर कोई शक्ति है जो मैं हूं और बोलता हूं मेरा शरीर, मेरा मन, तो वो है आत्मा।
आपको बहन जी ने कितने बार आत्मा आत्मा बोला, तो आपने समझा आप कौन हो। अभी मैं आपसे पूछूं आप कौन हो तो क्या कहेंगे, शरीर या आत्मा? क्या कहेंगे, जोर से बोलो। आत्मा पक्का किया। गलती से भी मैं पूछूं भाई साहब आप कौन हो, तो आप शरीर तो नहीं कहेंगे, मैं फलाना हूँ, फलाना नाम तो आपके शरीर के ऊपर है, लेकिन आप हो कौन? ये छोटी सी गलती, मैं कौन? आप दुनिया में भी देखो, अगर किसका दिमाग ढीला हो, उसको पता ही नहीं हो मैं लड़की हूँ लड़का हूँ क्या हूँ, तो उसकी हालत क्या होती है? सुखी होता है, दुखी होता रहेगा ना। तो हम भी मैं कौन व्हाट एम आई की पहेली नहीं जानते, और पहेलियाँ हल करते रहते हैं, पैसा लेते रहते हैं, लेकिन मैं कौन हूँ इस पहेली को जानने का संकल्प ही नहीं किया। इस गलती के कारण मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान शरीर नहीं है। हम कहते हैं परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे क्या शरीर है? अगर मैं आपसे पूछूं आपके शरीर का पिता कौन है, आप अपने पिता का नाम लेंगे, आप अपने एक ही परमात्मा थोड़ी कहेंगे। पर शरीर परमात्मा ने पैदा किया क्या? आपके लौकिक पिता ने पैदा किया। लेकिन हम जो कहते हैं हम परमात्मा के बच्चे, वो कौन कहते हैं? शरीर नहीं है लेकिन आत्मा। और अपने को आत्मा न समझने के कारण क्या रिजल्ट हो गई है? विकार प्रवेश हो गए, सोल कॉन्शियस के बजाय बॉडी कॉन्शियस, अपने को जो है ही नहीं शरीर वो समझ लिया, गलती कर ली ना। तो जैसे आपने देखा होगा, पानी तो पीते हो ना सभी, पानी का तो सबको पता है, पानी के बिना रह ही नहीं सकते हैं, तो पानी पीते हो ना, तो पानी की असला स्वरूप जो है, असली गुण जो है वो है ठंडा, ठीक है ना। जब भी आग लगती है तो किसको बुलाते हैं? पानी, सोचते हैं पानी ठंडा है। लेकिन समझो आप पानी ठंडा जो है उसको आग पर रख दो, वो क्या काम करता है? आग के बाद पानी उबलता है तो क्या काम करता है? आग जैसा करता है। अगर उबला हुआ पानी आपके शरीर में पड़ जाए तो जलाएंगी चमड़ी को? जलाएंगे ना। तो संग के रंग में, आग के संग के रंग में उसने अपना गुण छोड़ दिया जो ठंडाई का, और आग के संग के रंग में वो भी वही काम करता है जो आग करती, ठीक है ना। ऐसे ही हम आत्मा शांत स्वरूप है, लेकिन शांत स्वरूप आत्मा हूँ ये भूलने के कारण हमारे में बॉडी कॉन्शियस, अपने को शरीर मानने के कारण हमारे में पांच विकार प्रवेश हो गए। अभी क्या है दुनिया में देखो, छोटे बड़े में कोई न कोई विकार किसी मात्रा में है, चलो मात्रा कम हो ये हो सकता है। आज संसार में विकार ही विकार, भ्रष्टाचार पापाचार, रात का काम दिन में हो रहा है, क्या हो रहा है असेंबली में पार्लियामेंट में क्या हो रहा है? हमको याद है हम कुछ समय पहले अमेरिका में गए थे, तो राजीव गांधी जी थे तभी, तो राजीव गांधी जी आए थे, इंडियन जो वहाँ रहते हैं ना उनसे मिले थे, तो जब मिले थे तो उनको बहुत अच्छी बात सुनाई, कहा इंडिया की मशहूरी एक है जो आप कभी नहीं करना। क्या कहा? कहा इंडिया में मेजॉरिटी यहाँ रिपोर्ट है, तो जो भी माल बेचते हैं ना पहले बहुत अच्छा अच्छा बेचते हैं, सैंपल बेचते हैं ना, तो
तो सैंपल बहुत बढ़िया बोलते हैं, और वो जब ऑर्डर दे देता है तो मिक्स माल बेचते हैं। ठगी बहुत है इंडिया में, आप ठगी नहीं करना। तो ठगी क्या है, विकार है ना, लोभ है ना। तो ये देखो, आज पापाचार बढ़ गया है, इसका कारण सिर्फ छोटी सी गलती है, मैं कौन हूँ ये भूल गए। अभी पक्का किया मैं कौन हूँ, बोलो जोर से बोलो, नाश्ता तो किया है ना, तो जोर से बोलो पक्का कि यहाँ से उठेंगे तो भूल जाएंगे, भूलना नहीं, भूलेंगे। हम छोटे थे ना तो हमको शिव बाबा कहता था, अपने को भूला तो लगा बम का गोला, लगा ना विकारों का गोला, लग गया ना। तो हम कभी भी बाबा बोलता था ना ये, हम कहते थे नहीं बाबा, हम बम का गोला नहीं लगाएंगे, हम अपने आप को नहीं भूलेंगे। तो आप भी अपने को भूलना नहीं, क्योंकि आप सोशल वर्कर हैं, बहुत अच्छा काम है, लेकिन निस्वार्थ है। तो और दूसरी बात, इस सोशल वर्क में आप उनको थोड़े टाइम के लिए कोई भी सेल्वेशन दे करके और खुश तो कर देते हो, शरीर की साधन तो आप उसको अपना देते हो, लेकिन मन जिसमें ही टेंशन आता है, भले खाना कितना भी दो, कपड़ा कितना भी दो, लेकिन मन का टेंशन जो है वो इस चीज़ों से नहीं ख़त्म होता है। मन का टेंशन के लिए साइंस भी कुछ नहीं कर सकती। चंद्रमा तक पहुंचा दिया, लेकिन मन में चंद्रमा जैसी शांति पैदा करे वो किया साइंस ने, वो साइंस नहीं कर सकती। साइंस वालों को तो और ही क्रोध ज़्यादा आता है। तो मन का टेंशन मिटाने का साधन जो है वो कौन सा है, वो अध्यात्मक शक्ति। तो आप सोशल वर्कर हो, लेकिन हम आपको यही राय देते हैं कि इसके साथ साथ आप अगर अध्यात्मक सोशल वर्कर बन के किसको मन के टेंशन की भी दवाई दे दो तो सारा हमारा राम राज्य नहीं हो जाएगा, जो बापूजी गांधी जी की आशा थी कि राम राज्य स्थापन हो। तो एक श्री राम श्री सीता के राज्य से राम राज्य हो गया। हम तो आपको ये कहेंगे कि बापू के रहे हुए कार्य को, हम भारत के बच्चे हैं तो बापू का रहा हुआ काम कौन करता है, बच्चे ही करते हैं ना। तो हम सब बच्चों को मिल कर के, दोनों बापू, एक गांधी जी बापू और बापू जी का भी बापू परमात्मा, दोनों बापू का काम है स्वर्ग बनाना, सुखमय संसार बनाना, राम राज्य बनाना। तो कौन करेगा, आप बच्चे हो ना, करेंगे करेंगे, हाथ उठाओ जो साथी बन के हमारे करेंगे। हाँ, डबल सोशल वर्कर बनना, एक अध्यात्मक, एक सोशल वर्क स्थूल चीज़ों का। तो ऐसे बनने से क्या होगा, जो बापूजी की इच्छा है और परमात्मा की इच्छा है। आज डांस में क्या देखा, परमात्मा हाथ में बिस्त लाए, तो वो राम राज या स्वर्ग कहो वैकुंठ कहो, वो हमको लाना है ना। आप भी आएंगे ना उसमें, रह तो नहीं जाएंगे ना, हम नहीं रहने देंगे आपको। बहन स्वर्ग में जाए और आप नहीं आओ तो कैसे अच्छा लगेगा। तो आप भी ये मददगार बनो, और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मन के टेंशन को मिटाने के लिए जो मेडिटेशन कोर्स है, मेडिटेशन कोर्स आपने सुबह को किया भी होगा, तो वो आप पक्का करो। और कुछ भी नहीं कर सको ना,
मेडिटेशन कोर्स का अभ्यास आप जरूर करो, क्योंकि मेडिटेशन का अर्थ है मन को परमात्मा में लगाना। अब मन में ही टेंशन, मन में ही खुशी का अनुभव होता है, मूल है ही मन। इसीलिए कहा जाता है मन जीते जगत जीते। मन ही कारण है दुख और सुख के फीलिंग करने का। और मेडिटेशन जो है वो डायरेक्ट परमात्मा से मन लग जाता है, तो परमात्मा के पास क्या है? सुख, शांति, आनंद, प्रेम। तो मन हमारा परमात्मा में लगेगा तो क्या हमको मिलेगा? हमारे मन में क्या आएगा? जब कार में से वो नहीं चलती है तो पावर हाउस में भेजते हैं ना, वहाँ पावर बढ़ती है तो ठीक हो जाती है, बैटरी हाउस में भेजे है। तो इसी रीति से अगर आप मेडिटेशन का कोर्स करते ही रहेंगे, चाहे वहाँ जाओ, हाँ आए हैं तो जाना भी पड़ता है, जो आता है वो जाता है, जाएंगे तो वहाँ जा कर के भूल नहीं जाना, कनेक्शन ज़रूर रखना, तभी मन आपका परमात्मा की तरफ। क्यों? कि वायुमंडल आजकल बहुत खराब है ना, उसके संग का रंग लग जाता है। कनेक्शन रखना, जिस सेवा केंद्र के द्वारा आप आए हो उस सेवा केंद्र से कनेक्शन रखना, तो परमात्मा से रिलेशन आपका पक्का हो। और परमात्मा से रिलेशन आपके मन का पक्का हो जाएगा। गीता में भी कहा है मन मना भाव, तन मना भाव नहीं कहा है, धन मना भाव नहीं कहा है, मन मना भाव कहा है। तो मन परमात्मा में आपका लगा रहेगा तो एक श्री राम सीता से राम राज हो गया। और आज इतने मेरे भाई बैठे हो, मैं ईश्वरी बहन के नाते से आपको फलक से कहती हूँ, और मेरी दिल की आशा है आप सबके प्रति, तो आप एक एक सिर्फ अपने को भाई राम समान बनाओ, बहने सीता समान बनाए। हो सकता है दूसरे को नहीं देखो, दूसरे को देखने में गड़बड़ हो जाती है, ये ऐसा करता वो ऐसा करता, फिर तो बहुत विघ्न आते हैं। लेकिन अपने को तो बना सकते हो, अपना तो मालिक हो ना, ताकत मिलेंगी। आप कहेंगे वायुमंडल बहुत खराब है ना, तो आ जाते घर में भी कोई कैसा होता है। लेकिन अगर आप दृढ़ निश्चय से परमात्मा से मन का कनेक्शन जोड़ते रहेंगे, तो आपको मन में परमात्मा द्वारा जो शक्तियाँ मिलेंगी उससे असंभव भी संभव हो सकता। हमने तो इस 70 वर्ष में ऐसे ऐसी बातें देखी है जो गवर्नमेंट पर खिलाफ है सारी, लेकिन कोई के बुद्धि में, बुद्धिवानों का बुद्धि परमात्मा ऐसा टच करता है जो असंभव कार्य संभव हो जाता है। अभी टाइम हो गया इसलिए मैं कहानी नहीं सुनाती हूँ, लेकिन कई असंभव कार्य सुनाओ। एक है टाइम, थक तो नहीं गए हो? अच्छा, एक बारी क्या हुआ था, हमारा आपने देखा होगा सेंटरों पर मेला लगता है, अध्यात्मक मेला हमारा लगता है, जैसे प्रदर्शनी लगती है ना, प्रदर्शनी छोटी है, मेला कहते हैं, जिसमें बहुत स्टॉल होते हैं, मॉडल्स होते हैं, होते ज्ञान की बातों का है। तो पहला मेला हमको दिल्ली में करना था, मैं दिल्ली में रहती थी, अभी दोनों जगह रहते हैं। तो मेला करना था और बड़ा मेला था, हमारे जो भी सेवा के जोन है ना, जैसे यूपी है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, ये 17-18 हमारे जो जोन है ना, उन एक एक जोन को एक स्टॉल लेना था एक एक टॉपिक से। तो हम लोगों ने गवर्नमेंट को पत्र लिखा, भाई हमको रामलीला मैदान तो दिल्ली में सुना ही होगा, तो वहाँ हमको चाहिए और हमको छुट्टी दो।
उन्होंने पत्र लिख के भेजा, आपको छुट्टी है, इतना दिन आप ले सकते। पत्र आया तो हम लोगों ने तैयारी की। सभी जोन जो हमारे हैं उसकी बड़ी बड़ी दादियाँ जो है ना, इंचार्ज जोन हेड, वो सभी तरफ की आई थी दिल्ली में। हमने स्थान लिया था सबके, तो आई, हमने मेला शुरू किया। हर एक ने अपना अपना स्टॉल शुरू किया, जोन ने, उनके हैंड्स भी आए थे। तो मेले का उद्घाटन होना है समझो दो दिन पीछे, हमारा तैयार हो रहा था। तो अचानक क्या हुआ, गवर्नमेंट से चिट्ठी आई। उन दिनों में रशिया जो है ना, रशिया वाले, बहुत पहले की बात है, तो रशिया वाले अन्न देते थे इंडिया को, और रशिया का जो प्रेसिडेंट है वो अचानक आने वाला था, और उसकी स्वागत जो है ना, वो उसी रामलीला मैदान में होनी थी। तो हमारे को चिट्ठी आई, तो उसका अन्नदाता है वो, उसका स्वागत होना है रामलीला ग्राउंड में, आपका मेला उठाना पड़ेगा। हमने कहा मेला इतना, हम क्योंकि हम अपने तन मन धन से सारा तैयारी करते हैं, आप तो जानते भी होंगे बहुत समय हो गया है। तो हमने कहा हमारे इतनी मेहनत और हमारे सच के कमाई की पैसा लगा है, वो कहता है बुलडोजर आएगा, दो घंटे में ख़त्म हो जाएगा, ये कैसे होगा। हम सब योग में बैठे, रात्रि का समय था, और हम जो भी पहचान वाले थे ना हमारे, जाते आते तो है ना ऑफिसरों के पास, उनों के पास गए, भाई कुछ हमको बतावे ये मेला ख़त्म तो नहीं हो। तो वो सभी हमारे ऊपर हंसे, क्योंकि मैं ही गई थी, वो सभी हंसे, कहे बहन जी आप बात क्या करती हो, अन्नदाता को देखेंगे या आपके चित्रों को देखेंगे। हमने कहा हमारे चित्र कोई चित्र साधारण है क्या, उनको कितने ही समझाओ कहो ये तो असंभव है, हो ही नहीं सकता है। चलो 12 बजे तक हम लौटे, और बहनें जो है हमारी बड़ी बड़ी दादियाँ, वो सब योग में बैठी थी, सारा रात योग लगाया हुआ था। तो हमने आके ये सुनाया तो सभी ने कहा नहीं अभी और ही योग जो है ना, बाबा के संदेश में भी आया, और योग पावरफुल करो। बाबा ने कहा यहाँ तक तीर गया है लेकिन यहाँ नहीं पहुँचा आपका तीर, इसलिए और योग लगाओ। खैर उन्होंने, हम लोगों ने योग लगाना शुरू किया। तो देखो क्या हुआ, इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी तक ये बात गई। तो ब्रह्मा कुमारियों का मेला है, वो कहती है ऐसे हमारा मेला ख़त्म कैसे होगा, बस परसों तो उद्घाटन होना है। उसने क्या किया, बुद्धिवानों की बुद्धि ने देखो क्या कमाल की, उसने क्या किया, दो CID के ऑफिसर भेजे, और हमको बाबा ने, शिव बाबा ने ट्रांस में संदेश दिया, तो आप घबराओ नहीं, आपके जो भी हैंड्स यहाँ है ना वो भी सब मैदान पर भेजो। हम सब चुप हो गए, भाई कल तो बुलडोजर आ जाएगा। बाबा ने कहा भेज दो, गए वो। तो वो जो दो ऑफिसर आए ना CID के, हमको तो पता नहीं है CID के ऑफिसर आए हैं, उन्होंने सारा मेले में चक्कर लगाया। तो उनको दो बातें ध्यान में आई, एक बात तो हमारे लोग बहुत हो गए थे, तो उन्होंने सोचा कि ये लोग तो बहुत है, अगर मानो वो आवे भी प्रेसिडेंट और ये काले झंडे उसको दिखाए तो हमारी तो इंडिया की इंसल्ट हो जाएंगी। एक ये बात नोट की।
हम तो झंडे बंडे दिखाने वाले थे नहीं, लेकिन उन्होंने को टच ये हुआ। और दूसरी बात ये टच हुई कि बंगाल बिहार में जो है ना वो देवी बनाते हैं, मशहूर है ना बंगाल बिहार, तो वो देवी जो है बंगाल के स्टोर में रखने के लिए सज के आई थी, लेकिन हमने जगह पर रखी नहीं थी, नीचे थी लेकिन सजी हुई थी। तो उन्होंने दूसरी बात ये सोची कि ये बुलडोज़र आएगा तो ये देवी थोड़ी उठाएंगे, तो देवी के ऊपर बुलडोज़र लगेगा ये तो बहुत पाप हो जाएगा, तो ये तो होना नहीं चाहिए। तो मतलब ये दो बातें उन्होंने नोट की और इंदिरा गांधी को जाके सुनाया। तो क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने भी बहुत सोचा, ये दोनों ही बातें हैं तो थोड़ी ज़बरदस्त। तो इंदिरा गांधी ने, हमको कुछ पता नहीं, इंदिरा गांधी ने ऐलान किया तो जो प्रेसिडेंट आएगा उनकी स्वागत लाल किले में होंगी, लेकिन रामलीला ग्राउंड में ब्रह्मा कुमारियों का मेला ही होगा। हमको कुछ पता नहीं, हम सुबह को उठे, योग लगा रहे थे और लोग भी वहाँ गए थे, तो सुबह को क्या देखे, हर एक अखबार में फर्स्ट पेज में ये खबर आई। तो ब्रह्मा कुमारियों का मेले के कारण ये जो प्रेसिडेंट है उसका स्वागत जो है वो लाल किले में होगा। आप सोचो, असंभव से संभव हुआ। हम फर्स्ट पेज में डालते थे, इतना खर्चा करते थे और हमारा मेला इतना फुल होता था क्योंकि हर अखबार के फर्स्ट पेज में आ गया, प्रेसिडेंट का स्वागत चेंज हुआ ना, तो उसके कारण फर्स्ट पेज में ये आ गया। असंभव से संभव हुआ, हुआ हुआ ना। तो आपका भी ऐसे ही कार्य, ये तो एक मैं कहानी सुनाती हूँ, लेकिन ऐसे बहुत कार्य असंभव से संभव हुए हैं। जो गवर्नमेंट ना करती है वहाँ करके ही दिखाया है बाबा ने, जो असंभव समझते हैं वो संभव देखा है। ऐसे ही थोड़ी 70 वर्ष चले हैं, कुछ तो होगा ना, तभी तो चला है। तो इसीलिए हम आपको यही कहेंगे, तो मेडिटेशन कभी नहीं छोड़। मेडिटेशन से आपके मन का टेंशन खत्म होगा। और आज छोटे बच्चे से भी पूछो तो कहते बड़ा टेंशन है, मम्मी ऐसे करती, पापा ऐसे करता, टीचर ऐसे करती, इतनी कथाएं सुनाते हैं जो सुनते ही रहो। तो ये तो है। तो टेंशन के लिए बाबा ने बहुत एक अच्छी बात सुनाई थी हमको, कहा कभी भी आप लोगों के पास टेंशन आवे ना, आएंगा तो सही, समय कल है, युग का है, आएंगा ज़रूर, लेकिन आप टेंशन के आगे ए ऐड करना। तो क्या हो गया, टेंशन के आगे आप ए ऐड करो तो क्या हुआ, अटेंशन। कहाँ अटेंशन जाएगा, हमको चाहिए क्या, सुख शांति चाहिए ना, तो सुख शांति दाता कौन, परमात्मा ना। जैसे देखो यहाँ अंधकार हो जाए तो हम क्या करते हैं, स्विच ऑन बिजली का, अंधकार कितने में जाता है, सेकंड में, आप टोकरे भर के थोड़ी बाहर फेंकते हैं। स्विच ऑन हुआ, अंधकार भागा। ऐसे ही अटेंशन अगर आपका परमात्मा के तरफ जान करके नॉलेजफुल हो के किया तो टेंशन कहाँ जाएंगे, टेंशन खत्म, अटेंशन हो जाएगा, शक्ति मिलेंगी। तो ये आप करना ज़रूर, हाँ, हमारी बहन की बात भूलना नहीं, हाँ, कभी भी कुछ भी होवे ना तो आप याद करना हमको, सुख शांति का रास्ता कौन सा बताए। और कनेक्शन ज़रूर रखना, रखेंगे कनेक्शन, रखेंगे, हाथ उठाओ कि यहाँ ट्रेन में ही भूल जाएंगे नहीं,
क्योंकि ट्रेन में भी बहुत बातें होती है ना, तो फिर थोड़ा दुख का हो जाता है, लेकिन कभी भी दुख लाना नहीं। और कनेक्शन रखेंगे तो परमात्मा से रिलेशन संबंध बहुत पक्का होगा, और परमात्मा के पास जो हम बच्चों का वर्षा है, जन्म से अधिकार है सुख शांति, वो आपको अवश्य प्राप्त होगा, ये हमारी गारंटी है। अगर किया तो ऐसे नहीं बीच में चालाकी करो, एक दिन जाओ और आठ दिन क्या करेंगे, नहीं करना, नहीं वो मैं बोलूं क्यों। इसीलिए कनेक्शन रखना, रिलेशन पक्का करना, और सुख शांति का अनुभव करके हमारे साथ साथ आप भी विश्व परिवर्तन करना, डबल सोशल वर्कर बनना। ओम शांति।